दोस्तों, अगर आप युवराज सिंह को एक महान बल्लेबाज मानते हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है, टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर युवराज सिंह ने क्रिकेट से इस्तीफा ले लिया है, जिसके बाद युवराज सिंह कनाडा में ग्लोबल T20 खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें, युवराज सिंह ग्लोबल T20 में टोरंटो रॉयल्स की कप्तानी कर रहे हैं और लीग के दूसरे ही मैच में युवराज सिंह ने अपना जारहाना अंदाज दिखाते हुए फिर से गेंदबाजों की धुलाई कर डाली। युवराज ने ब्रैम्पटन वॉल्स के गेंदबाजों की धुलाई करते हुए 22 गेंदों में 51 रन की तूफानी पारी खेली। युवराज ने अपनी 51 रन की पारी के दौरान 5 गगनचुंबी छक्के भी लगाए और इसके अलावा 3 चौके भी जड़े। आपको बता दें, युवराज सिंह का कनाडा ग्लोबल T20 लीग में जमकर बल्ला बोल रहा है। आपको बता दें, युवराज ने इससे पहले वाले मैच में 22 गेंदों में 45 रन की पारी खेली थी, जबकि उससे पहले युवराज ने 21 गेंदों में 35 रन बनाए थे। आपको बता दें, टीम इंडिया के महान खिलाड़ी और 2011 विश्व कप में टीम इंडिया को खिताब दिलाने वाले युवराज सिंह ने 10 जून को क्रिकेट से संन्यास लेकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद युवराज ने कनाडा में ग्लोबल T20 खेलने का फैसला किया और अभी तक युवराज इस लीग में अपने पुराने वाले अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। युवराज ने अभी तक खेले गए 5 मैचों में 36 की औसत से 145 रन बनाए हैं। आपको बता दें, इस दौरान युवराज सिंह का स्ट्राइक रेट 147 का रहा है, जिसमें 10 छक्के और 10 चौके भी शामिल है। आपको बता दें, 37 वर्षीय युवराज सिंह ने 304 एक दिवसीय मैचों में 8,701 रन बनाए हैं, जिसमें 14 शतक और 52 अर्धशतक भी शामिल है। बल्लेबाजी के अलावा युवराज सिंह ने वनडे क्रिकेट में 111 विकेट भी निकाले। वहीं T20 क्रिकेट में तो युवराज सिंह का बोलबाला रहा है। आपको बता दें, 2007 के वर्ल्ड कप में स्टुअर्ट ब्रॉड को एक ओवर में 6 छक्के मारने के बाद युवराज सिंह T20 क्रिकेट के सबसे धाकड़ बल्लेबाज माने जाते थे। ग्लोबल T20 में युवराज की टीम 5 मैचों में 2 ही मुकाबले जीत पाई है, लेकिन अब युवराज आगे के मुकाबलों में खेलते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। युवराज को एक मुकाबले में पीठ में दर्द उठा था, जिसके बाद युवराज मैदान छोड़कर बाहर चले गए थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।